बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेज़न पे मॉड्यूल हम डिस्कस कर रहे थे प्राइवेट लेबल, होलसेल एंड आर्बिट्राज। और प्राइवेट लेबल को हम देखते हैं। प्राइवेट लेबल दिस इज व्हेन यू क्रिएट एंड ब्रांड योर ओन प्रोडक्ट्स, यूजली बाइंग डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर इन चाइना। यहाँ पे चाइना इसलिए डेफिनेशन में लिख दिया गया क्योंकि हम ज़्यादातर कह सकते हैं कि 90% जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है और सोर्सिंग होती है अमेज़न पे यूएसए में या किसी और कंट्री में भी, तो वो ज्यादातर चाइना से ही हो रही होती है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपने अपना ब्रांड बिल्ड करना है और अपनी प्रोडक्ट्स को खुद लॉन्च करना है और उसी को रैंक भी आपने फिर खुद करना है, तो आप वहां पे अकेले ही सेल कर रहे होंगे और आप खुद ही मैन्युफैक्चर करवा रहे होंगे और अपना आपका ब्रांड होगा, वो अमेज़न की ब्रांड रजिस्ट्री से ब्रांड रजिस्टर होगा, उसे हम प्राइवेट लेबल कहते हैं। नेक्स्ट हमने होलसेल देखा था। होलसेल सेलिंग ऑन अमेज़न इन्वॉल्व्स द सेलर्स, बट सेलर्स बाइंग प्रोडक्ट्स इन बल्क स्ट्रेट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर्स इन ऑर्डर टू रिसीव होलसेल प्राइसिंग। ठीक है, होलसेल में सेलर डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर मैन्युफैक्चरर से या फिर ब्रांड से, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर वहां पे ब्रांड ही होता है, ठीक है, ब्रांड से प्रोडक्ट से परचेज करता है होलसेल में होलसेल रेट पर और अमेज़न पर सेल की जाती है वही प्रोडक्ट्स रिटेल में, ठीक है। आर्बिट्राज, अ सोर्सिंग मेथड वेयर आवर प्रोडक्ट इज बॉट फ्रॉम आवर रिटेल ऑन डिस्काउंट एंड देन इट इज सोल्ड ऑन अमेज़न ऑन फुल प्राइस। यानी फॉर एग्जाम्पल कि आप ऑनलाइन किसी एक स्टोर पे को विजिट करते हैं, वहां पे सेल लगी हुई है एक प्रोडक्ट, वो जो प्रोडक्ट सेल लगी हुई है उसको आप वहां से बाय कर लेते हैं सेल प्राइस में। फॉर एग्जाम्पल कि आपने वो प्रोडक्ट $2 में बाय कर लिया, वही प्रोडक्ट अब अमेज़न पे $20 में सेल हो रही है, तो अमेज़न की फीसिस और शिपमेंट चार्जेज और प्रेप वगैरह की सर्विसेज निकाल के उसमें काफ़ी सारा प्रॉफिट मार्जिन निकल आता है आर्बिट्राज में। लेकिन आर्बिट्राज में एक मुश्किल है कि जो प्रोडक्ट आप अभी आज आपने लगाई है, उसको हंट किया, उसको बड़ी मुश्किल से रिसर्च किया आपने, प्रोडक्ट ढूंढी, उसकी आपको थोड़ी सी क्वांटिटी मिली 20, 10, 25 या 30, क्योंकि सेल में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं मिल सकती, तो वो क्वांटिटी आपने जब सेल कर ली तो वो प्रोडक्ट पे दोबारा सेल लगी नहीं, इसलिए आपका वो जो मेहनत हुई है वो इतनी ज़्यादा कारामद नहीं रही, इतना ज़्यादा उसने लॉन्ग टर्म हमने उसने फ़ायदा नहीं दिया जितना लॉन्ग टर्म होलसेल में फ़ायदा होता है। और प्राइवेट लेबल में तो फिर फायदा है ही है, लेकिन यह है कि प्राइवेट लेबल में एक बहुत बड़ा रिस्क है। क्या रिस्क है कि प्राइवेट लेबल में एक जो इन्वेस्टर है, जो हमारा सेलर है, वो इन्वेस्ट करता है, वो सबसे पहले तो अपना अकाउंट क्रिएट करता है, उसके बाद वो अपना ब्रांड रजिस्टर करवाता है, ब्रांड रजिस्टर पे भी उसका अच्छा खासा जो बजट लगता है, उसके बाद उसने प्रोडक्ट हंट करवाने पर भी बजट लगा, उसके बाद प्रोडक्ट सोर्स करवा ली, मैन्युफैक्चर करवा ली, उस पर भी उसका बजट लगा, अब उसका बजट रैंकिंग पे भी अच्छा खासा बजट रैंकिंग पे लगना है। अब यह है कि रैंक हो गई है तो फिर तो जिसे कहते हैं कि वारे नहीं आ रहे कि 40% तक 50% तक भी लोग प्रॉफिट लेते हैं वहाँ से, ठीक है, यानी 40% या 35% तो आम प्रॉफिट है प्राइवेट लेबल में। तो अगर उस पे सेल बहुत अच्छी आने लग गई, और उस वो डिपेंड करता है बाकी सारी चीज़ों पे, आपने सोर्सिंग कितनी अच्छी करवाई थी, आपने जो मैन्युफैक्चरिंग करवाई है वो कितनी अच्छी थी, आपने प्रोडक्ट कितनी अच्छी सेलेक्ट की थी, तो ये हम ज़्यादा गहराई में चले गए प्राइवेट लेबल में। तो हमने सारा इंशाल्लाह 3 माह प्राइवेट लेबल ही पढ़ना और होलसेल भी साथ इंशाल्लाह, ठीक है। बिजनेस मॉडल दो तरह के हैं अमेज़न के, वो एक FBA है, दूसरा FBM है, ठीक है। FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, यानी अमेज़न के वेयर हाउस में हम प्रोडक्ट्स पहुंचा देते हैं और अमेज़न उसको पिक पैक एंड शिप करता है। लेकिन जो दूसरा मॉडल है वो है FBM, उसमें सेलर ने खुद ये सारे काम करने होते हैं, पिक पैक एंड शिप, या फिर सेलर अगर अपने भी हाथ पे किसी दूसरे बंदे से करवा ले, जैसे कि मैंने जिक्र किया था प्रेप सेंटर का, कि वो प्रेप सेंटर से भी, प्रेप सेंटर्स वाले भी फुलफिलमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो पर आइटम पर ऑर्डर पे कुछ फीसेस चार्ज करते हैं, अमेज़न भी पर आइटम पर ऑर्डर पे फीसेस चार्ज करता है अपनी, अमेज़न की फीसेस थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन उसमें आगे हम देखते हैं क्या एडवांटेजेस हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं FBM के और FBA के। FBA में प्राइम एलिजिबिलिटी होती है कि बेटर कन्वर्जन आने के चांसेस हैं, FBA में आपके पास अच्छी सेल आने के चांसेस हैं। अगर हम होलसेल की भी बात करें तो होलसेल में भी जिन सेलर्स के पास FBA हो, जिन सेलर्स ने बिजनेस मॉडल FBA चूज किया होगा, उनके पास बाय बॉक्स ज्यादा आएगा, और जिनके पास बाय बॉक्स ज्यादा आएगा उनके पास सेल ज्यादा आएगी, बाय बॉक्स एडवांटेजेस हैं, ठीक है। इसके बाद है FBM के अपने एडवांटेजेस हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हैं FBM के। अब FBA के हम कहेंगे डिसएडवांटेजेस उसके भी हैं कि FBA में फीसें ज्यादा होती हैं, अमेज़न ज्यादा फीसें चार्ज करता है, लेकिन जब सेल ज्यादा आ रही हो तो फीस ज्यादा नहीं लगती क्योंकि सेल ज्यादा आ रही होती है FBA में। अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनमें होता ही FBM है, यानी फॉर एग्जांपल कि कुछ डेंजरस प्रोडक्ट्स होती हैं जिनमें केमिकल्स होते हैं, वो FBA में वो अमेज़न अलाउ ही नहीं करता, वो कहता है अगर आपने सेल करना ही है तो फिर FBM में करें।
और FBM में आम प्रोडक्ट कोई भी अगर हम लगाएंगे तो उसमें भी प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, बेटर मार्जिन आता है। और जो इन्वेंट्री है FBM में वो कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री, यानी आपके पास इन्वेंट्री बड़ी होती है तो आपका कंट्रोल होता है इन्वेंट्री पे। आप चाहे तो अगर फॉर एग्जांपल 200 प्रोडक्ट आइटम्स आपने मंगवाए थे वो आपने वेयर हाउस में रखवाए थे, अब वो आप चाहते हैं कि 100 सेल हो गए, 100 सेल हो गए, 100 आप सेल ही नहीं करना चाहते, आप वापस करना चाहते हैं, तो इजीली आप उठा के वहां से दोबारा वापस कर सकते हैं जिससे भी आपने लिए हैं, या उसे किसी और को आपने सेल करना है डायरेक्टली तो वो भी कर सकते हैं। और लोअर अमेजोन फीस, अमेजोन की फीस बड़ी कम है FBM में, ठीक है। ये एक A9 एल्गोरिथम है अमेजोन का, इट एनालाइजेस सर्च क्वेरीज फॉर कीवर्ड्स then tries to match customer desires with relevant product. A9 algorithm, Amazon का algorithm है, ये कैसे work करता है कि जब हम कोई भी product search करते हैं तो उस keyword के against ये हमें best से best result show करवाता है। यानी अगर हम mouse लिखेंगे तो हमें keyboard नहीं show होगा, हमें mouse ही सारे show होंगे, ठीक है। यानी एक अच्छी SEO जिनकी हुई हुई होगी product की, वो पहले या दूसरे पेज पे show हो जाएंगे, तो वो सारी A9 algorithm के through होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट हंटिंग के कुछ टूल्स होंगे जो कि हम थर्ड वीक से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। जो हमारा नेक्स्ट वीक है वो भी प्रॉक्सी मार्केटिंग का है सारा। इस वीक में हमने टू डेज प्रॉक्सी मार्केटिंग के लगाए और टू डेज ही हमने अमेजोन पे लगाए, और अमेजोन की का इंट्रोडक्शन मैंने करवाने की आपको कोशिश की। अब आप लोग बता सकते हैं कि इस काम में मैं किस हद तक कामयाब हो सका हूँ, ठीक है। तो कुछ प्रोडक्ट हंटिंग के टूल्स हैं, ये हम थर्ड वीक में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। हीलियम 10, जंगल स्काउट और कीपा, ये हीलियम 10 से हम प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करेंगे, और हीलियम 10 की फ्री सब्सक्रिप्शन यूज करके भी हम प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये बाद में पेड टूल है। तो ये था हमारा आज का अमेजोन के रिलेटेड इंट्रोडक्शन और उसकी बेसिक्स कवर करने के लिए एक मैंने जो सेशन कंडक्ट किया था, ठीक है।